हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ महाराजा एक्सप्रेस की आज यहाँ से लॉन्चिंग होने वाली है। आज इसका उद्घाटन होने वाला है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। देखिए इसका इसमें क्या बढ़िया फैसिलिटीज है, एकदम राजा महाराजाओं के जमाने की वैसे ही। देखिए क्या बढ़िया ट्रेन है ये, देखिए इसमें ना एकदम 5 स्टार वाली फैसिलिटीज दी गई हैं। और इनमें ना देखो क्या बढ़िया, देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। अभी आगे चल के दिखाती हूँ आपको मैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। देखिए ये देखो इसमें एक किचन है जिसमें खाना बनाते होंगे। और इसमें देखो ये कितना बढ़िया है। और अभी इसमें मैं आपको कहीं पर्दे खुले होंगे तो आपको दिखाती हूँ मैं इसमें। अभी ये बंद कर रहे हैं ताकि कोई देख ना पाए अंदर क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। देखो अभी हम दिखाते हैं, काफी लंबी ट्रेन है ये। और इसका जो रंग पुताई कार्य है जिसने भी किया, बहुत जो रंग रोहन जो कार्य है इसका बिल्कुल एकदम डेंटिंग पेंटिंग वाला, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से किया है। ये देखिए भाई बिल्कुल एकदम क्या बोले हैं, इसके बाहर से भी देख करके लगता है कि कितनी अच्छी ट्रेन है, जब इसके अंदर जाएंगे तो वो पता नहीं कितनी अच्छी फीलिंग आएगी हमको इसको देख करके। हमको देख करके ही इसको बाहर से ही मन मोह लिया है हमारा कि इसके अंदर जाएं। और हम इसके अंदर की आपको सारी जानकारी देंगे कि क्या चीज है क्या नहीं इसके अंदर, और सारी चीजें दिखाएंगे कि क्या क्या है इसमें। वो सारी चीजें आपको अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट है इसका कि अभी ये लॉन्चिंग हो गई इसकी 6 बजे दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। बाबू कभी इसमें जाएंगे घूमने के लिए? अरे जरूर जाएंगे। कैसा लगा इस ट्रेन को देख करके? जल्द ही जाएंगे। एक नई वीडियो होगी, आप लोग बताइएगा कि इसकी नई वीडियो बनाए या ना बनाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेन आप जो देख रहे हैं महाराजा एक्सप्रेस केरला की, तो इसकी जो है शुरुआत वो अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अंग्रेजों की परंपरा को बढ़ाना, तो वो जो है कार्य जो है इस किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत ट्रेन बनाई गई। और क्या कहते हैं, भारत की सबसे महंगी ट्रेन यही है, कौन सी? महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन। और हाँ ये पत्रकार, ये उसका सिंबल भी है, कांच बनी हुई है सब पूरी ट्रेन में। अब देखो ये फेवरेट वाला कार, ये फिलहाल अभी ये दिल्ली के सफदरजंग में खड़ी हुई है। और ये क्या कहते हैं, ये वाइन शॉप है जिस मतलब, हाँ ये तो बनाते हुए इसको डेकोरेट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। ये आप देख सकते हैं कैसी मधुशाला है यहाँ पे, जिसको जो है प्रेम से हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा भी ये सबका मेल करवाती मधुशाला। और ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, मतलब लोग यहाँ मतलब जब जिनका पढ़ने का मन हो, बुक रीडिंग का मन हो, तो वो यहाँ पे बुक रीडिंग करने भी आ जाते हैं। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं हर गेट पे लाइट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये वाइन शॉप है, वाइन शॉप रेलवे कोच का ये वाइन शॉप है महाराजा का। और यहाँ पे जो है ये वेलकम के लिए ये साज सज्जा चल रही है, डेकोरेशन वगैरह। और यहाँ पे लोग जो आए उनका गेस्ट के माध्यम से उनका वेलकम किया जाएगा। वेरी गुड, ये पूरा डेकोरेशन आपको दिखा रहे हैं कितना मतलब बढ़िया भाई कर रहे हैं।
डेकोरेटेड कर रहे हैं इसको, सब कुछ दिखाएंगे अभी आपको। ये कारपेट लगी हुई है और जगह जगह अभी देखते जा और भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो आपको सारी जानकारी देंगे अभी तुरंत ही। अंदर सारी व्यवस्था चल रही है, जैसे ही 6 बजे की, और एक भैया से मिलवाते हैं अभी आपको, वेटर से बात करेंगे कुछ क्या। हाँ, इसके जो वेटर हैं वो भी एकदम, वो भी लग्जरी में ही है। ये देखिए पूरा अभी वेलकम गेट है और भैया चले आ रहे हैं। आपको फिर दिखाते हैं इसके बाद में। 6 बजे आपको इसके अंदर की सारी चीजें दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और चीजें भी अलग से।